तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हैं, उपीट, जलेबी, भजिया और अचार। नहीं खा पे? करना तू नाश्ता, करना उपीट खाओ। नहीं है, पहले चिप्स खाना शुरू कर। तो चिप्स क्यों खाते हो, ये नाश्ता तो बनाया है ना। कुर्सी लाओ मम्मी से, कौन इवेंट दो कुर्सी नहीं मारती। नीचे ये मुनि जी नहीं। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव री सा, राधे राधे। तो आज सखी सम्मेलन का डे सेकंड हो चुका है, तो बस अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है और हम लोग करके आए नाश्ता, और नाश्ता करके आए और अभी हम सब लोग हो गए रेडी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पोल है उसी में हमारे जो गुरुदेव है खेताराम जी महाराज, उनका मंदिर है और बालाजी का मंदिर है, तो बस वहीं पे होम और पूजा होने वाली आज। कल भजन और कथा भी वहीं पे थे रात को, और अभी वहाँ पे हवन हो रहा है, तो हवन चालू हो चुका है, तो बस हम लोग पहले वहाँ जाएंगे। थोड़ी दूर अभी पहले हवन होगा, उसके बाद में कथा दोपहर में की जाएगी। ये कथा भी 3 दिन ही चलने वाली है, कल थी, आज है और कल भी होगी। तो अभी फटाफट से पहले चलते हैं वहाँ पे। तो हमारे पुष्पा जी भी आए हैं अपने ननिहाल सा की सम्मेलन में। ये मम्मी के भाभी सा है वैसे, इसलिए मामी सा होता है, लेकिन मेरे जीजी है। बड़े वाले मामी सा तो रेडी हो गए होम में बैठने वाले, इसलिए अभी टाइम है क्या मामी सा? आधा घंटा मामी से इतनी फटाफट रेडी हो गए, मस्त लागो जाओ। थैंक यू, वेलकम। छोटे वाले मामी सा भी यहाँ बैठे हैं, आप नहीं बैठो होम में, ये मामी सा नहीं बैठे, एक जने को ही बैठना है, इसलिए बड़े वाले मामी सा बैठेंगे, बड़े वाले मामी सा मामू सा, छोटे वाले मामी सा नहीं बैठेंगे। धूप है ही इतनी ज्यादा। कानू यहाँ आइसक्रीम को किस तरह से खा रहा है तू, ऐसे कैसे खा रहा है? तो हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ पे हवन हो रहा है वहाँ पे, और मेरा पेट दर्द जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैं इतनी परेशान हो गई, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे चला ही नहीं जा रहा है। चले कानू, ये भाई सब भी रेडी हो गए। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमनम् ॐ भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
दोनों यहाँ पे भी मिल गए। ये मेरे मामूसा की बेटी है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। शिवानंद स्वामी तो पूरा हो गया और हम लोग अभी आए हैं खाना खाने के लिए। चंपा जी इन्हें भूख लगी है जोरी। ये है अभी खाने में आलू की सब्जी, केरी गुंदा, छाछ, रोटी और साथ में हलवा। तो हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद में सब जगह मिलने के लिए गए। सबने बहुत सारी बैठ के बातें की, फिर थोड़ी दूर रेस्ट की और अभी जस्ट उठे और रेडी हुए क्योंकि अभी स्टार्ट हो गई है कथा। तो बस वो थोड़ी दूर अभी कथा सुनने के लिए जाएंगे। बेटी बहुत देरी लगाई टेलीफोन उठाने में, कोई काम कर रही थी। बोले नहीं नहीं माँ, काम तो कुछ नहीं कर। तो फिर इतनी देरी कैसे? बोले आओ ससुराल बेटी करने जी आते ससुराल करने बेटी जी आते रहे। अच्छा 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 है ना। जब राम जी विवाह करके आए बिगड़ेगा नहीं कभी भी, बहुत अच्छा पढ़ के भाई छोटा भाई का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, हर प्रकार से उनका ध्यान रखेंगे तो छोटा भाई कभी भी अपने घर को नहीं बिगड़ने देंगे। नहीं तो शुरुआत छोड़ने की होती है शुरुआत। या उर्मिला जी कौन करेगी? जो काम प्रेम से होता है वो काम क्रोध से नहीं होती। काती है रोज तो कथा पूरी हो चुकी है और अब चलते हैं घर के अंदर। ये बाहर का सीन, यहाँ से एंट्री होती है नानोसा के घर में। ये दो पपीता के पेड़ भी है। ये है घर, बाहर बरामदा है, अंदर तीन रूम। ये किचन है। पूजा क्या बना रही है? पूजा कॉफी बना रही है। इधर सब रूम है, एक दो तीन चार। इधर ऊपर जाते हैं, सीढ़ियां है। और पीछे ये सारा बाड़ा है, भैंस भी है। एक ये भैंस, एक ये रही। वो पीछे हॉल बना हुआ है, वहाँ पे कोई गेस्ट आते तो वहाँ पे भी है बाथरूम वगैरह। तो शाम के दियाबत्ती भी हो गए और ये लड्डू गोपाल जिनकी मधु रोज सेवा पूजा करती है, बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल है। तो ये था मेरे ननिहाल के घर का छोटा सा होम टूर। एक घर और भी, वो पोल के अंदर है, इस घर में अभी रहते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा मैंने होम टूर दिया।
और हमारे कानों को मुझे लेना पड़ा क्योंकि सब लोग अभी कहीं गए हुए हैं तो वापस आकर सब पार्टी करने वाले, इसलिए कानू को मैंने अपने पास में ही रखा। यहाँ पे चल रही है बच्चों की आइसक्रीम पार्टी। मैं बता देती हूँ ये आइसक्रीम पार्टी क्यों है। आज हमारी दोनों होनहार बच्चियों ने 90% बनाए हैं, 9th में, और कृष्णा 7th क्लास में, दोनों ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाए। ताली बजाओ। तो उसके यहाँ पे चल रही है आइसक्रीम पार्टी। ये देखिए मेरे लिए ये बचाए। पार्टी नानियों को देनी चाहिए थी लेकिन मैंने दी है। नानी तो दे दे। नेक्स्ट बार नानी गांव में दे देना जब गांव आएंगे तब। कानू क्या खा रहा है? अच्छी रीत रीत साथ में आज यूवी का भी रिजल्ट आया, उसने भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाए, आईटी के आसपास बनाए। ये मेरे लिए ये पार्टी युवराज की तरफ से। तो अभी हम लोग आए हैं खाना खाने यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोगों की और ये रहा हमारा खाना। क्या हुआ किसु, क्या नहीं भा रहा है? चूरमा खा किसु, मारवाड़ा चूरमो नहीं खावे। खाना हम लोग खाकर आ गए, और मैं दो दिन से जिसका वेट कर रही थी वो आज आई है। आज आ चुकी है, मैं आई ना, इसको इसने मुझे फोन भी किया था मैं आने वाली, लेकिन दो दिन से ये नहीं आई थी, तो फाइनली आज ये आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक नहीं थी फिर भी आ गई, और इसको देख के मेरे लिए आई है। चले अब डांस पार्टी स्टार्ट हो गई, अब हम लोग जाके डांस करेंगे।